मदरसे जो भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठनों के जरिए बार बार निशाने पर रहते हैं, जिनको आतंकवाद का गढ़ बताया जाता है, ऐसे ही एक आतंकवाद के गढ़ बताए जाने वाले मदरसे में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को शरण दी गई। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने मदरसे में शरण ली और मदरसे के जो जिम्मेदार आन थे उन्होंने उनको मौत से बचाया। मामला छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के रायपुर का है, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल। इनको इलेक्शन कंपेन के दौरान कुछ लोगों ने मारने के लिए दौड़ा लिया। अपनी जान बचाने के लिए इन्हें एक मदरसे में जाकर के शरण लेनी पड़ी, अपने आप को छुपाना पड़ा, जिससे इनकी जान बच पाई। अगर मदरसे में ना पहुंचते तो शायद इनको भीड़ के जरिए मार दिया गया होता। और वो मदरसे जो हमेशा इन भारतीय जनता पार्टी, इन संघी के लोगों को, इन संघ आरएसएस के लोगों के दिमाग में बार बार जिस तरह से फितनियत फैलाई जाती है मदरसों के बारे में, वही मदरसा इनकी जान बचाने में आज काम आया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि गुरुवार की शाम जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे उसी समय कुछ अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट की। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि उन्होंने पास के मदरसे में घुसकर अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रायपुर की सिटी कोतवाली में पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे निवर्तमान विधायक और भाजपा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, मैं मौलाना अब्दुल रऊफ के वार्ड में चुनाव प्रचार के लिए गया हुआ था, उसी समय कुछ लोगों ने मुझ पर हमला किया। हमलावर कह रहे थे कि इस मोहल्ले में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे पीएसओ ने मुझे किसी तरह बचाया और मैं मदरसे के भीतर घुस गया तो मेरी जान बच गई। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वे हर बार चुनाव प्रचार के दौरान मदरसों में जाते हैं और वहाँ के मौलवियों से भी मिलते हैं। उन्होंने कहा, यह हमला मेरी हत्या के लिए किया गया था, कोई आम आदमी होता तो आज उसकी हत्या हो गई होती। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के संरक्षण में गुंडागर्दी चल रही है। उन्होंने कहा, जब तक अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। उधर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हमले को प्रायोजित बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बृजमोहन अग्रवाल पर कोई हमला कर सकता है क्या? भूपेश बघेल ने दिसंबर 2000 में राज्य गठन के बाद नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के समय भाजपा कार्यालय में हुई हिंसा की घटना की याद दिलाते हुए कहा कि 2000 में नरेंद्र मोदी जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे। बृजमोहन अग्रवाल ने एकांत परिसर में जो गुंडागर्दी की थी, नरेंद्र मोदी जी को टेबल के नीचे छिपना पड़ा था। बृजमोहन अग्रवाल से कौन गुंडागर्दी करेगा? बृजमोहन अग्रवाल से सब डरते हैं, ये सब पूरी तरह से प्रायोजित है। बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से 7 बार के विधायक हैं, वे बरसों तक भाजपा सरकार में मंत्री रहे हैं। वे रायपुर दक्षिण विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं जहां 17 नवंबर को मतदान होने हैं। इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय दूधाधारी मठ के महंत डॉक्टर राम सुंदर दास को मैदान में उतारा है। महंत राम सुंदर दास भी पहले विधायक रह चुके हैं और अभी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मदरसे में जो है घुस करके कई बार के विधायक और मंत्री को अपनी जान बचानी पड़ी।